देखिए आपको बता दें, नोएडा में लगातार जो कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। मरीजों की संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है। दिल्ली में सरकारी डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव बताया गया। नोएडा के स्काई टेक सोसाइटी में रहता था ये डॉक्टर। दिल्ली में डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूरी स्काई टेक सोसाइटी को अब यहां पर सील कर दिया गया है और 3 मई तक ये पूरी सोसाइटी सील रहेगी। यानी कि 3 मई तक जब तक लॉकडाउन की अवधि है तब तक ये पूरी सोसाइटी सील रहेगी। नोएडा के एक हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया गया है। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी पे था ये डॉक्टर। सेक्टर 76 स्थित स्काईटेक सोसाइटी है जिसको पूरी तरीके से 3 मई तक के लिए सील कर दिया गया है। तो नोएडा में जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इन आंकड़ों के बढ़ने के साथ साथ यहां पर अब भी जो सोसाइटी जहां से ये मरीज जो कि डॉक्टर बताया जा रहा है वो जब से आया है वो यहां पर आने के बाद नया केस इस पूरी सोसाइटी को जो स्काईटेक सोसाइटी थी वो यहां पर अब पूरी तरीके से 3 मई तक के लिए सील कर दी गई है। और सील करने के साथ साथ वहां पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और नजर बनाने के साथ साथ वहां पर अब लोगों को बाहर रहने की भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। हमारे साथ दो अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि जुड़े हैं, नोएडा से हमारे सहयोगी दानिश जुड़े हैं। दानिश के पास सबसे पहले चलना चाहेंगे। दानिश क्योंकि देखिए यहां पर एक डॉक्टर जो है वो यहां पर कोरोना पॉजिटिव जिस सोसाइटी में रहता था उसको भी सील कर दिया गया है। वहां पर लोगों को कैसे अलर्ट और सजग रहने की बात कही गई है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए इस जो डॉक्टर जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इनको जो है आइसोलेशन में अब नोएडा में रखा गया। हालांकि ये क्वारंटाइन नहीं थे और दिल्ली में अपनी ड्यूटी लगातार कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपना दिल्ली में टेस्ट कराया था और कल रात में देर रात इनकी टेस्टिंग जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। और उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली के जो स्वास्थ्य विभाग है उसने नोएडा पुलिस से रابطہ कायम किया और तुरंत उस सोसाइटी में पहुंचे हैं और डॉक्टर को जो है सोसाइटी से लेकर अपने जो आइसोलेशन वार्ड है सेक्टर 39 में वहां पर लेकर उनको आइसोलेट किया जा रहा है और तुरंत जो सोसाइटी है उसको सील कर दिया गया है 3 मई तक। यानी कोई भी बाहर नहीं निकल सकता और ना ही कोई अंदर जा सकता है। अब जो डॉक्टर जहां पर रह रहे थे, जिस फ्लैट में रह रहे थे, जिस टावर में रह रहे थे, उस टावर के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है सर्विलांस के माध्यम से। डॉक्टर ने जो जिस तरीके की चीजें बताई हैं कि हाँ वो किससे मिले किससे नहीं मिले, क्योंकि डॉक्टर जाहिर सी बात है कि इस वक्त कोरोना का जो है महामारी चल रही है और डॉक्टर नर्सेस ये सारे के सारे कोरोना योद्धा हैं और लगे हुए मरीजों के बीच में जाकर इलाज कर रहे हैं तो इनके लिए खतरा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि एक डॉक्टर जो दिल्ली के बगरा सरकारी अस्पताल में तैनात थे और वो पॉजिटिव आए। अभी 3 दिन पहले भी नोएडा की ही एक नर्स है जो क्वारंटाइन मरीजों में लगी हुई थी वो भी पॉजिटिव आई थी। तो लगातार डॉक्टर का और नर्स का मिलना, जो पॉजिटिव मिल रहे हैं वो वाकई एक तरीके से खतरे की घंटी है। पीपीई किट पे पहले ही सवाल खड़ा हो चुका है कि पीपीई किट सही नहीं है जिसकी वजह से डॉक्टर और नर्स संक्रमित हो रहे हैं। तो अब काफी ज्यादा सावधानियां उन लोगों को भी बरतनी पड़ेंगी जो पॉजिटिव मरीज के क्वारंटाइन में लगे हैं या फिर आइसोलेशन वार्ड में लगे हैं या फिर ये कहे कि हाँ उनकी जांच में लगे हैं। तो अब खतरा बढ़ता दिख रहा है। फिलहाल सेक्टर 76 की जो स्काईटेक सोसाइटी है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। देखिए इसी को देखते हुए सोसाइटी को सील भी किया गया है ताकि संक्रमण बाकी लोगों तक ना पहुंचे। हमारे सहयोगी दिल्ली से रवि भी लगातार जुड़े हुए हैं। रवि देखिए, हमने एक तरफ देखा देश में जो आंकड़े वो 18,000 क्रॉस कर चुके हैं, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी आंकड़ा 2,000 को पार करता हुआ नजर आ रहा है वहां पर हमें। लेकिन अब खबर ये कि राष्ट्रपति भवन का एक सफाई कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव आ गया है। अब ऐसे में मुश्किल में वो 125 परिवार शामिल हो गए हैं जिनको होम आइसोलेट रहने की बात कही गई है। ये लोग इस कर्मचारी के संपर्क में आए थे, आगे इनको कब तक आइसोलेट रखने की बात, होम आइसोलेट रखने की बात कही गई है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। शिवांगी देखिए, अगले 14 दिनों तक कहीं ना कहीं आइसोलेट रहने की जो है बात कही गई है। राष्ट्रपति भवन में तमाम कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सुरक्षा गार्ड के भी लोग हैं जो रहते हैं। तो ऐसे में सफाई कर्मचारी के एक रिलेटिव जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो तमाम वहां पे तकरीबन 125 परिवार जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर रहता है उन सभी लोगों को होम आइसोलेट रहने को कहा गया है क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। जिस तरह से लगातार
देश में ये महामारी फैलता जा रहा है। दिल्ली में खास तौर पर अगर बात करें तो आंकड़े लगातार चिंताजनक है। हालांकि पिछले दो दिनों की बात करें तो आंकड़े थोड़े से कम हुए, 100 से नीचे का ग्राफ रहा है, पर उससे पहले अगर देखें तो 150, 200, 100 के करीब लगातार ग्राफ जो है बढ़ता रहा है। तो अब कहीं ना कहीं राष्ट्रपति भवन तक मामला पहुंच गया है। तो वहां पे जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, गार्ड्स हैं, कई अधिकारी हैं जो रहते हैं, उन तमाम लोगों को अब कहा गया है कि आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि पहले तक राष्ट्रपति भवन से बाहर कुछ ऐसे अधिकारी थे, कुछ मीडिया में भी काम करने वाले लोग थे जो अंदर बाहर करते थे, पर अब सब लोगों को हिदायत दी गई है कि आप सभी को इस वक्त सतर्क होना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे।